हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मनोज आईएएस के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय सेना किस तरह के नए सिद्धांत को ले आकर के पूरे विश्व में हलचल मचा दी है, इसकी चर्चा करेंगे। देखते हैं, एक सिद्धांत लाया है जिसका नाम है कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन। ये सिद्धांत आया है, ये सिद्धांत है भारतीय सशस्त्र बलों को, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए जो सिद्धांत आया है, यह सिद्धांत आपका है, क्या है, कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत की स्थिति पैदा होने पर पश्चिमी सीमा पर सैनिकों की तेजी से तैनाती की परिकल्पना करता है। यह सिद्धांत जो है भारतीय सशस्त्र बलों को कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत की स्थिति पैदा होने पर पश्चिमी सीमा पर सैनिकों की तेजी से तैनाती की परिकल्पना करता है, ये सिद्धांत है इसका। अब आप इसमें आगे देखेंगे कि जो ये स्थिति पैदा हुई है वह स्थिति क्या है इसकी, ये स्थिति जो है आपकी, इस सिद्धांत की प्रमुख बिंदुओं को आपको बताते हैं। इसका पहला बिंदु है आपका यह सिद्धांत पाकिस्तान की ओर से प्रतिशोध स्वरूप परमाणु हमले को रोकते हुए भारतीय सेनाओं के निरंतर हमले की अनुमति देता है। इस डॉक्ट्रिन का लक्ष्य टकराव की स्थिति में भारत के पारंपरिक सुरक्षा बलों की सीमित हमले करने की स्थिति में लाना है, ताकि पाकिस्तान की तरफ से परमाणु प्रक्रिया को भी रोका जा सके। वर्ष 2002 के भारत पाकिस्तान सैन्य गतिरोध ऑपरेशन पराक्रम के समापन के बाद भारतीय सैन्य संगठनों में कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत पर सहमत बननी शुरू हुई थी। यह सिद्धांत तभी आया था प्रकाश में। आपको बता दें, इसका अगला बिंदु है जो 2002 में एक नया बिंदु इसमें आया, वह बिंदु क्या है आप ये देखिए। इसका जो बिंदु है यह है 2002 के सैन्य गतिरोध में जो पाकिस्तान समर्थित कश्मीरी आतंकवादियों द्वारा संसद पर हमले के परिणाम स्वरूप उपजा था। भारतीय सेना को पाकिस्तान की सीमा पर सैनिकों को जुटाने और तैनात करने में लगभग 2 महीने लग गए थे, जिसके बाद सुरक्षा रणनीति ने भारतीय सेना के नए सिद्धांत के बारे में बात करना शुरू किया, जिससे कुछ दिनों के भीतर ही पूरी ताकत से आक्रमण करने वाली सेना को तैनात किया जा सके। परिणाम स्वरूप वर्ष 2004 में भारतीय सेना द्वारा कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत लाया गया। यह सिद्धांत लाया गया, इस सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, इस सिद्धांत का जो उद्देश्य है वह जो है, यह सिद्धांत कहता है कि भारतीय सेना अगर कभी भी पाकिस्तान के साथ अगर टकराव या प्रतिरोध स्वरूप परमाणु हमले को, पहली बात तो यह रोकता है, दूसरी बात यह कहता है कि अगर कभी भी पाकिस्तानी सेना अगर कभी भी टकराव की स्थिति पैदा करता है तो यह क्या करेगा कि सबसे पहले स्वयं की स्थिति में वहां उत्पन्न होकर क्या करेगा, गतिरोध उत्पन्न करेगा और दुगनी शक्ति के साथ वो क्या करेगा, लोगों के साथ हमले करेगा। ठीक है, सैनिकों की एक एकजुट शक्ति के साथ वो क्या करता है, हमला करता है। ये जो है भारत की, मतलब कह रहा है कि वर्ष 2002 के भारत पाकिस्तान के सैन्य गतिरोध ऑपरेशन पराक्रम, एक ऑपरेशन चलाया गया था सन 2002 में जिसका नाम था सैन्य पराक्रम। पराक्रम के समापन के बाद भारतीय सैन्य संगठनों में कोल्ड स्टार सिद्धांत पर सहमत बननी शुरू थी। सिद्धांत कब बना, 2002 के सैन्य गतिरोध के परिणाम स्वरूप यह बना था। 2002 के सैन्य गतिरोध में जो पाकिस्तान समर्थित कश्मीर आतंकवादियों द्वारा संसद पे हमला किया गया था, उसके परिणाम स्वरूप यह उपजा था। भारतीय सेना को पाकिस्तान की सीमा पर सैनिकों को जुटाने और तैनात करने में लगभग 2 महीने लग गए थे। जब 2002 में हमला हुआ था तो भारतीय सैनिक जो है, मतलब वहां पे इकट्ठा होने में भारत सरकार को 2 महीने लग गए थे, और इन सब प्रक्रियाओं को शीघ्र करने के लिए सरकार ने कोल्ड जो है एक जो नया रणनीति बनाया है, जिसके बाद रक्षा नीतिकारों ने भारतीय सेना के नए सिद्धांत के बारे में बात करना शुरू किया था। ये उसी समय से चर्चा में रहा, और ये 2004 में भारतीय सेना द्वारा कोल्ड स्टार सिद्धांत विकसित कर दिया गया। हाँ, और इस साल जो हमले हुए हैं इसके परिणाम स्वरूप चाइना का आपने देखा होगा गतिरोध,
पाकिस्तान का देखा होगा गतिरोध, टिड्डी से लेकर दुनिया भर का जो आतंकवादी गतिविधियां रही हैं उसकी, इन सभी चीजों के परिणाम स्वरूप नेपाल से जो टकराव चल रहा है, चाइना से टकराव चल रहा है, इधर आपका जो है पाकिस्तान से टकराव चला, इन सभी गतिरोधों के कारण भारत सरकार ने एक नए जो नया रक्षा सिद्धांत ले आया वह जो है कोल्ड स्टार सिद्धांत था, इस चर्चा में आया। ठीक है, तो इस सिद्धांत के बारे में और विस्तृत जानकारी हम अपने अगली क्लास में देंगे, लेकिन आप जान लीजिए कि जो आपके ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत का हमारा पीडीएफ भी आपको उपलब्ध होगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, मनोज आईएएस से जुड़े रहिए हमेशा, और आपको इस तरह से चमत्कारी वीडियो मिलते रहेंगे, और इसके लिए आप जानकारी हमेशा प्राप्त करने के लिए हमारे मनोज आईएएस चैनल को जो है क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट लिखें। अगर कोई समस्या आपको होती है तो आप उसमें कमेंट लिख करके आप किसी अन्य विषय वस्तु को जो है अधिक से अधिक जानना चाहते हैं तो उसको आप लिख करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।